भाजपा सागर जिला के नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिंह रोठिया ने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसिनर के मंगल भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में जैसिनर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सरकारी के साथ जैसिनर क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में कार्यकर्ताओं के परिचय के बाद आगामी चुनाव के संबंध में कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई। वहीं जैसिनर लोकल न्यूज संवाददाता प्रशांत दीक्षित से खास बातचीत में भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिंह रोठिया ने कहा, नमस्कार, मैं हूं प्रशांत दीक्षित और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जो भाजपा में पहले युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं और भाजपा ने दोबारा उन्हें वरिष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया है, ये खास जिम्मेदारी सौंपी है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। कुछ आपके लिए, अभी भाजपा ने दोबारा वरिष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया है और सियासी उठक पटक के बाद भाजपा दोबारा सरकार में आई है, तो आपकी अब क्या जिम्मेदारी रहेगी और क्या भूमिका रहेगी? भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व एवं सागर जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यह भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष का जो दायित्व पार्टी ने मुझे दिया, हम सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर साथ में काम करते हुए सभी हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय योजनाएँ हैं, जन कल्याणकारी योजनाएँ, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए और कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ मिलकर हम काम करने के लिए यह हम सबको दायित्व दिया। आपके जो पहले विपक्ष में रहे वर्तमान में गोविंद राजपूत जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं, अब वो आपके साथ हो गए हैं, तो अब आप कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे इस संबंध में? पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम के आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का बहुत बड़े दिल के साथ और बहुत बड़े मन के साथ हम सभी ने उनको स्वीकार किया। हम सभी पूरी ताकत के साथ लगेंगे और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है कि हम सबको हमारे क्षेत्र को एक मंत्री मिलने वाला है, उस उत्साह के साथ पूरा कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। कोरोना के संबंध में आप क्या अपील करना चाहते हैं? कोरोना के संबंध में यही अपील है कि यह वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व के साथ साथ हमारे सागर जिले में भी इसके मरीज बढ़ रहे हैं, सभी आमजन से यही निवेदन भी है और आह्वान भी कि हम सभी मास्क लगाकर या गमछा लगाकर ही बात करें, आपस में मिलें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो घर पर रहें, आवश्यक हो तभी घर से निकलें और सोशल डिस्टेंस के साथ साथ हम फिजिकल डिस्टेंस भी रखें, आपस में थोड़ी सी दूरी बनाकर भी बात करें। सतर्कता इसका एक ही उपाय है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं, इसलिए हम अपनी सतर्कता अपनी समझदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ें। साथ गौरव सिरोठिया जी हैं, उनने अभी कोरोना पे बताया है कि सबको सोशल डिस्टेंसन बना के और अपने घर पे रह के और इस कोरोना महामारी से सभी को लड़ना है,